उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिल्क यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को आज एक साल पूरा हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सिल्क यारा रेस्क्यू अभियान की आज एक साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिल्क यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो सारी तकनीकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहाँ आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथे भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह पर कहा कि मैं उन्हें बधाई दूंगा, जनता ने दोबारा सरकार बनाई है, मैं उस जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले हेमंत सोरेन जी उनको बधाई दूंगा, उनके नव निर्वाचित विधायकों को, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बहुत बधाई, और जनता का और जिस जनता ने चुन करके दोबारा सरकार बनाई है मैं जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर उन्होंने मौका दिया है झारखंड को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए, देश के लिए। झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा, महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जहां तरह तरह की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में भी जनता ने सूझबूझ से और बहुत समझदारी से अपने लोकतांत्रिक फैसले से एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को चुनकर के उन्होंने भेजा है। मैं हेमंत सोरेन जी को और यहां की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि झारखंड के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम बने हैं। देखिए, इससे खुशी और क्या हो सकता है झारखंड के लिए, इससे खुशी और क्या हो सकता है कि चौथी बार हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं और उनके कार्यकाल में जनता को और विशेष रूप से जो अंतिम व्यक्ति तक उन्होंने जो लाभ पहुंचाने की कोशिश की है उससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि झारखंड अब देश का नंबर वन राज्य बनेगा, जरूर बनेगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह पर अभिनेता विक्रांत मेसी ने कहा कि मैं हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करने का प्रयास करता हूं। हमारी कोशिश रहती है कि मनोरंजन के साथ साथ हम जिम्मेदारी सिनेमा बनाएं। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है और मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबली ही काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो सेक्टर 36 हो या चाहे वो साबरमती रिपोर्ट हो। कोशिश रहती है कि जैसे मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल सिनेमा हो, एंड मतलब कोशिश रहती है, यू नो, दैट्स द आइडिया। आई थिंक देयर इज, अगर एक 12th फेल है और अगर एक साबरमती रिपोर्ट है और लोगों ने उसे इतना सराहा है, जनता ने इतना सराहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो ये इस बात का अंदेशा है कि रिस्पॉन्सिबल सिनेमा लोग देखना चाहते हैं, एंटरटेन भी होना चाहते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले साल जन विश्वास अधिनियम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 अलग अलग मंत्रालयों के तहत 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों से जेल की सजा को हटाकर भारतीय उद्योग जगत और आम आदमी को राहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जन विश्वास अधिनियम के तहत देश में लगभग 42 जो केंद्र के कानून थे, जो 19 मंत्रालयों के अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत आते थे, उसके 183 प्रावधानों में से जेल की सजा को निकालकर भारतीय
भारत के उद्योग जगत और भारत के सामान्य नागरिक को एक राहत दी थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग हमारा मूल मंत्र है और उसके तहत ये पहल की बड़ी सराहना हुई है देश और दुनिया में।